जल्दी करो रोबोट। हाँ हाँ, जल्दी पहिया घुमाओ। वॉली, जरा इसे तो देखो। वो छोड़ो, जरा इसे देखो। वाव, ये कितना चमकीला है। वाव, ये तो मेरी हाइट से भी बड़ा है। ये ट्रेन हम अपने डाइनिंग टेबल पे रखेंगे और खाना एक दूसरे को पास करेंगे। वाह, अच्छा आइडिया। याद रखो, तुम दोनों का कुल मिला के बजट सिर्फ 3 रुपए है और ये मिल बांट के खर्च करने हैं। ये मजेदार कैब तो देखो, इसकी कीमत है बस 3 रुपए। अरे यार, पैसे तो खत्म हो गए, लगता है अब हमें बस विंडो शॉपिंग करनी होगी। ये पता है, मुझे विंडो शॉपिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि विंडो शॉपिंग करने में कोई पैसे देने नहीं पड़ते। मेरा सीक्रेट रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट मंकीज को यहाँ रुकने देना ठीक नहीं होगा। रॉकेट मंकीज, सभी दुकानदार साहब, रॉकेट मंकीज आ रहे हैं। जरा इसे तो देखो, ये पहनने से सर दर्द दूर हो जाता है। सर, बाहर जाने का रास्ता उधर से है। हमें बाहर का रास्ता दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? प्रोसेसिंग। ओह, आप सुपर हीरोज हैं। तो आप अपना पेमेंट कैश से करेंगे या फिर अपने बॉस के अकाउंट से उधार लेंगे? बॉस के अकाउंट से। ओह गॉस, ये सूट तो परफेक्ट फिट है, तुम तो सुपरस्टार लग रहे हो। वाली, तुम ये ट्राई करके देखो, ये सोने पे सुहागा कॉस्ट्यूम है, ये मगरमच्छ आपकी शान बढ़ाएगा। क्या बात है रॉकेट मंकीज, आज तक मेरे शॉप में किसी ने भी इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं की, दोबारा जरूर आना रॉकेट मंकीज। हे वाली, पता है ये मशीन क्या क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता। तुमने एक ऐसा मशीन खरीदा जो हमारी तरह कुछ नहीं करता, क्या बात है। ओ, ये तुमने क्या किया मंकीज, ये सब चीजें किसने खरीदी है? ओ, इसने खरीदी, इसने खरीदे, वो डायमंड के जूते इसने खरीदे, फिर वो मगरमच्छ, मैं तो बस देख रहा था, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, सच में मैं तो ना बोल रहा था इसे। नहीं नहीं, तुम पागल हो मंकीज, पर इसके पैसे तुमने कैसे दिए? टेंशन मत ले मेरे यार, हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, हमने पैसे उधार लिए, समझे? वो भी बॉस के अकाउंट से। ब्रेकिंग न्यूज रॉकेट मंकीज, मैं कंगाल हो गया। कल शाम को किसी शाटे चोर ने मेरे अकाउंट से पैसे उठार लेकर शॉपिंग मॉल से ढेर सारी शॉपिंग की। और वो क्या है? टेडी बेयर। और वो असली डायमंड से बना ढिंचक शूज। और वो वहाँ कोने में रखी महंगी वाली चीज क्या है? एक ऐसी मशीन जो कुछ भी नहीं करती है। रॉकेट मंकीज, तो वो तुम हो? हम पर शक? क्या? हाँ, वो हम ही थे। हाँ, हम ही थे। But don't worry, हम सारे पैसे लौटा देंगे, या फिर हमारी पगार से पैसे काट लेना। वाली, क्या तुम मेरे लिए इस टीवी का वॉल्यूम फुल कर दोगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं? तुम ये उठार कभी भी चुकता नहीं कर पाओगे, समझे? आपने मेरे नन्हे टेडी बेयर को डरा दिया। डरो मत टेडीज, बॉस थोड़े पागल है। झंडा लगाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज। हम रॉकेट मंकीज हैं बॉस, माना कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, बस हम पर भरोसा रखिए बॉस। बोले, वक्त हो चुका है अब कुछ कर दिखाने का। जा जा अंदर, जा अंदर जा। मेरा मतलब, जाओ तोप लेकर आओ। अंदर घुस जा, घुस जा, घुस जा, घुस जा। हाँ, समझ गया गस। सारा सामान हम फिर से एक साथ लौटा देंगे। चला दो। चलो, काम तो हो गया। मैंने तुम्हें बस तोप जलाने को कहा था। अरे नहीं, आज तुम्हारी वजह से मैं कंगाल हो गया। इसी वजह से अब बहुत चीजों की कटौती करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये कि हमें रॉकेट की सारी खिड़कियां बेचनी पड़ेंगी। तुम्हारी सारी एक्स्ट्रा चट्टियाँ मुझे बेचनी पड़ेंगी। ये क्या कर दिया वाली? आज से दो भाई सिर्फ एक ही चड्डी पहनेंगे। और आज से तुम्हारा खाना भी बंद। और तुम दोनों में से मुझे एक को निकालना पड़ेगा। नहीं, तुम हमें जुदा नहीं कर सकते। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं है, मैं तुम में से किसी एक को ही नौकरी पे रख सकता हूँ, दूसरे को दूसरा काम मिलेगा। लेकिन वो दूसरा काम क्या होगा? बचाओ, ये तो नाइंसाफी है। तुम मेरे गस का स्वेटर नहीं बना सकते, कभी नहीं। हाँ, स्वेटर वॉली का बना लो,
वो सॉफ्ट भी है और स्टाइलिश भी है। थैंक यू गाइस, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मेरी इतनी तारीफ कभी किसी ने नहीं की। मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे रख लो प्लीज। माना कि ये डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट है, पर और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं डिसीजन ले चुका हूँ मंकीज, और मैं चाहता हूँ कि रोबोट तुम इन दोनों में से एक को चुनो। माँ, इन दोनों में से किसी एक को चुनो नामुमकिन है। ये तो नमक और मिर्च में से किसी एक को चुनना जैसा है। या फिर मुर्गी और अंडा, किसको चुनूं मैं? दोनों भी टेस्टी है, इनका चुनाव नामुमकिन है। मैं दोनों में से सिर्फ एक को कैसे चुनूं, क्योंकि मुझे तो दोनों एक जैसे पसंद है। ओ, मुझे चुनो बॉली को नहीं। मुझे चुनो गैस को नहीं। ओके, मैं समझ गया। मैं एक कंपटीशन रखूंगा, जो जीता वो सिकंदर, हारा वो बंदर। कौन बनेगा रॉकेट मंकीज में आप दोनों का स्वागत है। याद रखना, जो ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के जवाब देगा वही जीतेगा। तुम्हारे लिए सबसे पहला सवाल बहुत इजी है, तो बताओ हमारे बॉस का काम क्या है? बताने में शर्म आ रही है। ओके, तुमने सवाल ठीक से सुना नहीं। सुनो, हमारे बॉस का काम क्या है? ओके, चलो दूसरा सवाल पूछता हूँ। गैलेक्सी का स्पेलिंग बताओ मंकीज। एकदम इजी सवाल है, चलो बताओ भी यार, बताओ ना। गैलेक्सी का स्पेलिंग जी से शुरू होता है। जवाब है जी फॉर गस। हाँ, जवाब सही है, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्योंकि मैंने तुमसे पूछा था कि गैलेक्सी का स्पेलिंग क्या है। रोबोट, क्या मैं फोन फ्रेंड करूँ? हाँ, हेलो। हाय। हाय, मैं हूँ वाली। ओ हाय वाली, तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं, बोलो ना। ओके, दरअसल मैं गेम शो खेल रहा हूँ। अरे वाह, मैं भी। अच्छा, गैलेक्सी का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा, जो जी से शुरू होता है, बताना। जी फॉर गस। नहीं, जी फॉर गॉगल। नहीं, जी फॉर गस। ओके, गैलेक्सी का स्पेलिंग होता है जी फॉर गस। लॉक किया जाए। हाँ, कोई बात नहीं, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। ये राउंड बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है मंकीज। तुम्हें इस रॉकेट ब्लास्टर को रीअसेंबल करना है एक मिनट में। जो सबसे जल्दी करेगा वो जीतेगा। गो मंकीज। टाइम शुरू हो गया है। रेडी स्टडी गो। हो गया। सॉरी, ये गलत है। हा, मैं जीत गया। वेरी गुड वॉली, ये भी गलत है। अब होगा राउंड थ्री, हीरो क्वालिटी। रॉकेट मंकीज का बहादुर होना जरूरी है, और सुपर डुपर स्मार्ट भी। जो भी इस पत्थरों के जंगल से अपने शिप को ठीक से पार ले जाएगा वो ही जीतेगा। मैं ही जीतूंगा। मैं भी जीतूंगा, ये लो। मैं तुमसे तेज जा रहा हूँ वॉली। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे तेज जा रहा हूँ, देख लो। मैं तेज जा रहा हूँ, मैं तुमसे तेज जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तेज, मैं तेज हूँ। ओह रॉकेट मंकीज, तुम दोनों एक ही शिप चला रहे हो, कोई भी किसी से फास्ट नहीं जा रहा है। हाथ हटा पागल बंदर, मुझे चलाने दे। शिप मैं चलाऊंगा, शिप मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, अच्छा यहाँ से मैं चलाऊंगा। मंकीज, तुम दोनों भी अच्छा कर रहे हो, क्या बात है। लेकिन इसी वजह से मेरा डिसीजन लेना और भी डिफिकल्ट हो गया है। वॉली, हम दोनों तो फेल हो गए। अब क्या होगा मेरे भाई? लगता है मेरा स्वेटर बनेगा वॉली। अगर तू स्वेटर बनेगा मेरे भाई, तो मैं किसी होटल का पोछा बन जाऊंगा। आई लव यू वॉली। आई लव यू टू। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। तेरे जैसा भाई कहाँ, कहाँ ऐसा भाईचारा। क्या तुमने कुछ आवाज सुनी? कैसी आवाज? ये तो कमाल हो गया। जिस पत्थर से तुम टकराए उसके अंदर एक बहुत बड़ी हीरो की खान है। ये हीरो की खान गैलेक्सी की सबसे बड़ी हीरो की खान लगती है। इसकी कीमत तो लाखों करोड़ों के ऊपर होगी। तुम बाला माल हो गए। इसी बात पे चलो हो जाए शॉपिंग। हम बाला माल हो गए। इसी खुशी में हमने पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लिया है।
रॉकेट मंकीज, पहले तुम दोनों सुपर हीरो थे, लेकिन आज तो तुम हीरो की खान के सुपर डुपर मालिक हीरो बन चुके हो। क्या बात है। हीरो से याद आया, तुमने अभी तक बताया नहीं कि हम दोनों में से तुम किसे चुनोगे, मुझे या वॉली को? प्लीज गस को चुनो प्लीज। नहीं मुझे नहीं, उसे चुनो। शांत हो जाओ दोनों, मैंने बॉस की सारी उधारी पूरी तरह चुकती कर दी है, डोंट वरी। कैसे हो मेरे रॉकेट मंकीज, तुमने तो कमाल कर दिया। वेल एक्चुअली पहले तो कंगाल किया फिर मालामाल कर दिया। पर कोई बात नहीं यार, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलो मैं तो मौज के लिए चला।